वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को न्यूजीलैंड पर जीत दिलाने में बेहतरीन योगदान देने वाले ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को न्यूजीलैंड ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप छीनने वाले इंग्लैंड के स्टोक्स इस प्रतिष्ठित सम्मान की रेस में हैं। उनके अलावा न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। 14 जुलाई को लॉर्ड्स में हुए फाइनल मुकाबले में स्टोक्स की शानदार 84 रनों की पारी की बदौलत इंग्लैंड टीम ने फाइनल मुकाबला टाई कराया। इसके बाद सुपर ओवर भी टाई रहा। आखिरकार मैच में ज्यादा बाउंड्री लगाने के आधार पर इंग्लैंड की टीम को विश्व विजेता घोषित किया गया। न्यूजीलैंड में पैदा हुए स्टोक्स महज 12 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए थे। न्यूजीलैंड ऑफ द ईयर के चीफ जज कैमरून बेनेट ने कहा कि स्टोक्स भले ही ब्लैक कैप्स के लिए नहीं खेल रहे हों, लेकिन वो क्राइस्टचर्च में पैदा हुए हैं जहां अब उनके माता पिता रहते हैं।